हे हेलो फ्रेंड्स, तो आ गया मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अभी मेरा हीरोइक पे 3 स्टार लग चुका है और इससे आगे हम और भी पुश करने वाले हैं। इंट्रो को मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए गेम में मेरा स्कोर थोड़ा कम दिख सकता है, लेकिन 3 स्टार गेम में भी है, लेकिन स्कोर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला मैच। इसमें मेरे किल थे 1 और मेरे को छोड़कर 7 बंदे बच रहे थे। नीचे क्लॉक टावर में 2 बंदे फाइट कर रहे थे। मैं एम लेने का कोशिश कर रहा था लेकिन वो बंदा दिख नहीं रहा था, तभी मेरे को वो नीचे दिख गया, जिसको मैंने कार 98 से एक शॉट मारा और फिर स्विच करके दूसरा शॉट मार के उसको किल कर दिया। अब एक बंदा उधर बच रहा था, दिख रहा था, लेकिन मेरा रीलोड पे था कार 98, इसलिए मैं गोली नहीं चला पाया। फिर एक शॉट रीलोड करके मारा, फिर वो ग्लू वॉल लगा के कवर में चला गया। अब इस टाइम पे देखना वो बंदा करता क्या है। उधर ओपन में आकर वो बंदा ईमोट दिखाने लगता है थोड़ी देर बाद। यहाँ पर मैं इधर उधर देख चेक कर रहा था, इधर मेरे को एक बंदा स्कैनर में स्कैन हो गया था, वो बंदा ईमोट दिखा रहा था, उसको मैंने स्विच करके कार 98 से किल कर दिया। अब उधर फैक्ट्री में 2 बंदे मेरे को स्कैनर में दिख गया था, जो कि उधर आपस में फाइट कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा दिखा उसका, फिर उसको मैंने कार 98 से किल कर दिया। उस बंदे का एक शॉट में ही वो बंदा वहीं पर किल हो गया है, मतलब किल चुरा लिया मैं उस बंदे का। फिर मेरे पास स्कैनर पड़ा था तो मैं स्कैनर छोड़ा, तो मेरे इस टाइम पे 2 बंदे ही बच रहे थे मेरे को छोड़कर। एक बंदा तो उधर फैक्ट्री में था और एक बंदा इधर ग्लोवाल, वो वाइट ग्लोवाल दिख रहा था, वहाँ पर था। फिर उसका भी लोकेशन मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं था, तो मैं फिर एक स्कैनर छोड़ा और उस बंदे को मैं एक शॉट मारा, फिर वो कवर में चला गया। तो मैं अब वेट करने वाला था क्योंकि मेरे ऑलरेडी किल हो गए थे 4। अब मेरे को चाहिए था बुइया। अब वो बंदा ओपन में आ गया तो यहाँ पर मेरे को फायर बटन क्लिक नहीं हुआ, फिर एक शॉट मारा तो वो बंदा कवर में चला गया। तो इस टाइम पर मेरे को उससे फाइट ले रहा था तो ये बंदा जोन में आ गया था, तो मैं एक ग्लूवॉल लगा के टावर से नीचे उतरा और फिर एक मेडिकिट लगाया यहाँ पर, क्योंकि मेरा HP लो हो गया था थोड़ा। और फिर कार 98 में लोड कर रहा था, मैं ग्रेनेड करूँगा सोच रहा था, तभी वो बंदा ने फ्रीज वाला ग्रेनेड कर दिया। यहाँ पर मेरे को थोड़ा डैमेज लग गया, फिर मैंने ग्लूवॉल लगा के अपना वेस्ट रिपेयर किया और थोड़ा सोच रहा था कि अब क्या करूं, अपना दिमाग चलाओ लास्ट गेम में, मतलब कि लास्ट फाइट में अपना जितना हो सके उतना दिमाग लगाओ और वेट करो, सही समय का वेट करो। इधर ग्लू वॉल लगा के मैं थोड़ा आगे गया क्योंकि जोन आ रहा था। यहाँ पर वो बंदे ने मेरे को 2 शॉट मार दिया था, वो ड्रैगन अब चला रहा था। यहाँ पर मैंने क्रोनो ऑन करके MP40 से उसको किल कर दिया और सामने ग्लू वॉल लगा के जोन में गया। इधर मेरा HP एकदम लो था, मैं सोच रहा था मेरे से बुइया गया, लेकिन फिर मेरे को बुइया मिल ही गया था। यहाँ पर मेरे को 6 किल के साथ बुइया मिल गया था। फिर मेरे को टोटल 13 प्लस मिल गया इस गेम में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मैच की ओर। इस मैच में मेरे किल थे 5 और मेरे को छोड़कर 3 बंदे बच रहे थे, लेकिन जोन बहुत बड़ा था, तो मैं जो एज टू एज खेल रहा था, जोन टू जोन। आपको ऐसे ही करना है, बीच में नहीं जाना है लास्ट में, क्योंकि बंदे आप बीच में रहोगे तो कई जगह से आपको पड़ेगा, तो फिर मर जाओगे आप। तो इधर देख रहा था, जोन के बाहर से एक बंदा आ रहा था जिसको मैंने ग्रोजा निकाल के उसको किल कर दिया वहीं पर। अब मेरे को छोड़कर 2 बंदे बच रहे थे और जोन बहुत ही बड़ा था, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं ले रहा था, बीच में नहीं जा रहा था, क्योंकि आप बीच में फंसोगे, इधर उधर से दोनों तरफ से आपको बंदे मारेंगे तो आप संभाल नहीं पाओगे, फिर आप किल हो जाओगे। कितना भी बड़ा प्लेयर होगा वो भी वहाँ पर नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसको कई जगह से पड़ता है। इसलिए मैं एज टू एज खेल रहा था, जोन टू जोन, बीच में नहीं जा रहा था। फिर मैं देख रहा था इधर उधर के बंदे कहीं पर दिखे, तभी सामने किसी ने ड्रॉप मंगाया उस पत्थर के पास। अभी वीडियो में तो आपको वो बंदा पत्थर में चढ़ा हुआ, वो बैठा हुआ दिख रहा दिखेगा,
लेकिन उस टाइम पे मेरे को नहीं दिख रहा था वो, मतलब ध्यान नहीं दिया था वहाँ पर मैं। फिर मैं इसलिए ऊपर सीधा चढ़ने लगा, तभी मेरे को यहाँ पर से वो बंदा दिख गया। यहाँ पर फायर किया लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं किया, तो मैं आराम से स्कोप करके उसका हेड में एम लेके उसको आराम से किल कर दिया हेडशॉट के साथ। अब मेरे को छोड़कर एक ही बंदा बच रहा था, तो मैं आगे बढ़ना स्टार्ट किया, उसको ढूंढ रहा था। अब इस टाइम पे आप फ्री होकर खेल सकते हो आराम से, क्योंकि एक ही बंदा बचा है। बचेगा, आप कहीं से भी हो, आप पे फायर करेगा तो आप ग्लू वॉल लगा सकते हो, अगर आपके पास ग्लू वॉल रहेगा तो। मैं इधर उधर देख रहा था, उसको ढूंढ रहा था कि कहाँ पर है करके। यहाँ से मेरे को वो बंदा दिख गया था, पेड़ के पास था। फिर मैं ग्रोजा निकाला और उसको वहीं पर फायर करके किल कर दिया। इसमें मेरे को 8 किल के साथ बिया मिल गया था, और इसमें भी मेरा 13 ही प्लस होगा, देख लेना आप, क्योंकि हाई लीग में 13 ही प्लस होता है। आप कितना भी किल करोगे, कितना भी बुइया कर लो, इसमें भी मेरे को 13 प्लस मिले। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मैच की ओर। इस मैच में मेरे किल थे 2 और मेरे को छोड़कर 3 बंदे और बच रहे थे। तो मैं उधर एक बंदा मेरे को दिखा, तो मैं AK निकाल के उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया फायर करके। फिर उसको अराउंड 100 का डैमेज लग ही चुका था, तो मैं उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। आप रश करोगे तो कवर कवर में रह कर रश करना, जैसे कि इधर पेड़ का कवर लेके मैं ग्लू वॉल आगे पे लगाया, फिर उधर गया, तो यहाँ पर मेरे को उसका एक M82 भी लग गया था। फिर यहाँ पर मैंने 2 ग्लू वॉल लगाया और हील किया। वो बंदा गलती किया कि वो ओपन में आकर मेरे को फाइट ले रहा था, मतलब फायर कर दे रहा था, तो मैंने उसका हेड खोपड़ी खोल के उसको वहीं पर किल कर दिया। वो बंदा मेरे को हल्के में ले रहा था। अब चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, सामने वाले को हल्के में ना लो। फिर उधर उसको लूट के मैं इधर आया, और मेरे अलावा इस टाइम पे टोटल बंदे बच रहे थे 2। ये सब फालतू के सामान मैं यहीं पर छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ना स्टार्ट किया। इधर जोन से बीमा शक्ति तरफ मैं देखा ताकि जोन के बाहर से कोई ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं था। और मेरे पास स्कैनर पड़ा था, जो कि मैं इधर छोड़ने का सोचा ताकि मेरे को बंदों का लोकेशन पता चल सके। फिर स्कैनर छोड़ के मैं इधर उधर देखने लगा। फिर यहाँ पर मेरे को दोनों बंदे का लोकेशन जो है वो पता चल गया, जो कि था बिल्कुल सामने था। एक बंदा तो इस घर वाले घर में था। ये कर क्या रहा था मेरे को ये समझ नहीं आया। ये वो बंदा सोया हुआ था, यहाँ से मेरे को दिख गया था, तो सोया हुआ था तो जल्दी से उठ नहीं पा गया, इसलिए मैं डायरेक्ट MP40 निकाल के वो उसको मारने चला गया। इसको अब सोया रहता है तो हेड ही लगता है। फिर वो हेड शॉट से किल हो गया। और एक बंदा और बच रहा था, जो कि था उधर मल्टी विंडो पे था। अब मैं आराम से इसको टाइम लेकर मारने वाला था, क्योंकि इस टाइम पे मेरा 4 किल हो गया था और जल्दीबाजी करके मेरे को भुया मिस नहीं करना था, इसलिए मैं आराम से सोच रहा था कि इस बंदे को मारूं तो मारूं कैसे, मतलब प्लानिंग बना रहा था। आपको लास्ट फाइट में 1v1 में तो आपको प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। आप इधर उधर दिमाग चलाओ अपना कि कैसे करोगे, क्या करोगे, कैसे मारोगे, किधर जाओगे, ये सब प्लानिंग बनाना पड़ता है। उस पे मैं इस टाइम पे एम ले रहा था, लेकिन वो एम नहीं दे रहा था, कवर नहीं छोड़ रहा था। इस टाइम पे वो बंदा ग्रेनेड करता है, देखना। और इधर उसका, मैं सोच रहा था ग्रेनेड नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर उसका ग्रेनेड आ गया, क्योंकि उसके पास शायद तक विस्टन पेट होगा, तो मेरे को डैमेज पड़ा। फिर मैं इधर आ गया और अपन हील किया और वेस्टर रिपेयर किया। फिर ये बंदा उधर से अंधाधुंध, मतलब ग्रेनेड पे ग्रेनेड करने लगता है, तो मैं MP40 निकाल के उसकी तरफ बढ़ के उसको किल कर देता हूँ। इस मैच में मेरे को 5 किल के साथ बुइया मिल चुका था, और इसमें भी मेरा 13 ही प्लस होगा। ये 13 प्लस हुआ इस मैच में भी मेरा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मैच की ओर। इस मैच में मेरे किल थे 3 और मेरे को छोड़कर बंदे बच रहे थे 3, और जोन अब रुक चुका था, तो मैं इधर जोन की तरफ रोटेशन लेने वाला था, क्योंकि जोन नीचे की तरफ बन चुका था।
यहाँ पर एक बंदा मेरे को यहाँ से यहाँ पर दिखा, इसको एक 60 मैंने कार 98 से मारा 132 का, और फिर वो बंदा ग्लोअर लगा लिया। ये क्या ही तो मूवमेंट दिखा रहा था, और मैं इसको इतना डैमेज दिया, इतना डैमेज देता हूँ, ये मरता ही नहीं है। देखना यहाँ पर मैं उसको 91 का एक हेड लगता है, और फिर वो हुकोंग बन के बन जाता है। तो मैं क्रोनो लगाता हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको मैं डैमेज करता हूँ, फिर भी नहीं मरा। फिर वो मेरे क्रोनो के अंदर चला गया था, तो मैं ग्लूअर लगा लिया और हील किया, क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत लो हो गया था। यहाँ पर मैंने 2 मेडिकिट लगाया और फिर उसके पास रस करने चला गया। फिर यहाँ पर भी मैंने उसको 56-56 का 2 हेड लगाया और बॉडी शॉट लगाया, फिर भी वो बंदा किल नहीं हुआ। यहाँ पर वो उसको हेड शॉट ही लगा, 56-56 का 2 फीड लगाया और बॉडी लगा, फिर वो बंदा किल हो गया हेड शॉट से। अब मेरे को छोड़कर 2 बंदे बच रहे थे, जो कि थे एल शेप में थे। एक बंदा ऊपर था और एक बंदा नीचे था। इस टाइम पे मैं वेट कर रहा था, अपना कार 98 लोड किया, मैं एक बंदे का मरने का वेट कर रहा था, ताकि एक बंदा मरे तो मैं उसको रस करके इजीली मार दूंगा सोच रहा था। लेकिन वो दोनों आपस में फाइट ही नहीं हुए। उसका इधर से पैर दिख रहा था, तो मैं कार 98 से उसको स्कोप करके उसके पैर पे एक गोली लगाया, फिर स्विच करके दूसरा गोली लगाया, और लेकिन तीसरा गोली लगाने से पहले वो कवर में चला गया था। फिर मैंने अपना कार 98 रीलोड किया और आगे बढ़ा ग्लूअल लगा के। अब वो बंदा देखना, वो एल शेप वाला आता ही नहीं। यहाँ पर मैं ग्रेनेड किया, उसको एक डैमेज पड़ा 30 का, फिर दूसरा किया, लेकिन वो ग्लूअल लगा लिया। इसको मैंने MP40 निकाल के थोड़ा डैमेज दिया और ये इधर आके मरा, लेकिन मेरा नेट नहीं चल रहा था शायद तक, और वो एक बंदा एलिमिनेट ही हो गया। इसमें मेरे को 5 किल के साथ बुइया मिल चुका था, इसमें भी मेरा 13 प्लस हुआ।